हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक मीटर में। आज मैं आपके लिए ये फाइव पिन सॉकेट के कनेक्शन करना बताऊंगा और साथ में ये हमारा फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करना बताऊंगा, जिसको हम ये 100 वोल्ट बल्ब के साथ ज्वाइन करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं सभी सॉकेट के कनेक्शन कर देता हूँ, फिर बाद में हम ये फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 वायर लिए हैं जो कि हमारे मेन होंगे। रेड वायर मैंने फेस का लिया है, ब्लैक वायर मैंने न्यूट्रल का लिया है और ग्रीन वायर हमने अर्थिंग का लिया है। तो सबसे पहले फेस से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्विच होएगा दोनों, ये फैन रेगुलेटर के लिए होएगा और ये वाला स्विच हमारा इन सभी सॉकेट के लिए होएगा। तो ये जो हमारी मेन लाइन आएगी वो मैं स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हर सॉकेट के ऊपर हमें यहाँ पर L का निशान दिखता है और यहाँ पर ये N का निशान दिखता है, जहाँ पर हमें लाइन देना है और यहाँ पर हमें न्यूट्रल देना है। देखिए फ्रेंड्स, सभी सॉकेट के ऊपर यही लिखा हुआ है। और ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट होता है ये अर्थिंग का निशान होता है। फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ पर अर्थिंग के वायर ज्वाइन करने हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ से हमारा पॉइंट निकलेगा और इन सभी के जहाँ पर L लिखा हुआ है वहाँ पर हम डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाले पॉइंट मैं लूँगा, अब इसके साथ फ्रेंड्स मैं ये छोटा सा वायर और लूँगा ताकि हमें एक ही स्विच से ये सभी सॉकेट को चलाना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर ये इसे टाइट कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा स्विच ऑन होएगा, यहाँ से हमारा स्विच ऑन होएगा तो ये सॉकेट में हमारी लाइन चली जाएगी। ऐसे हमें ये डायरेक्ट सारे सॉकेट के ज्वाइन करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी सॉकेट के फेस ज्वाइन कर दिए हैं। जहाँ पर ये मैंने L बताया था मैंने उसी पॉइंट में ज्वाइन किया है, जिसके जरिए मैं जैसे ये स्विच ऑन करूँगा ये सॉकेट में हमारे इन सभी सॉकेट में फेस पहुँच जाएगा। तो चलिए, अब हम न्यूट्रल के जो वायर है ये ब्लैक वायर, इसे ज्वाइन करते हैं। न्यूट्रल हम डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे जो कि हमारा ये पॉइंट बचा हुआ है ये जैसे ये। तो इसके साथ मैं ये मेन न्यूट्रल का वायर ज्वाइन करूँगा और साथ में हमारा एक ये वाला पॉइंट रहेगा जो कि एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये सारे ज्वाइन करने हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था मैंने यहाँ पर ये सभी न्यूट्रल के वायर जो हमारा मेन वायर है उसे मैंने डायरेक्ट इन सभी सॉकेट में ज्वाइन कर दिया है। अब फ्रेंड, जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूँगा ये हमारा फेस इस सॉकेट में चला जाएगा और डायरेक्ट मैंने ये न्यूट्रल ज्वाइन कर रखा है तो ये सॉकेट हमारा सभी का सभी ऑन हो जाएगा। अब मैं अर्थिंग का वायर और कर देता हूँ जो कि हमारा ये वायर बचा हुआ है। तो मैंने ये एक डायरेक्ट ले लिया है जो कि मैं इन सभी में ज्वाइन कर दूंगा। ये वाला जो हमारा मेन वायर है वो मैं इसमें ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हमारा इन सभी में अर्थ ज्वाइन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सॉकेट के सभी कनेक्शन अब पूरे कर दिए हैं। अब हमारा ये जो फैन रेगुलेटर और ये स्विच है जिससे हम ये फैन रेगुलेटर ऑन करेंगे ये कनेक्शन बाकी है। ये फेस हमें जैसे कि स्विच में दिया था वैसे ये स्विच में भी हमें एक फेस प्रोवाइड कराना है। तो मैं ये सबसे लंबा वाला वायर यूज कर लेता हूँ। जो कि हम इस वाले
स्विच से मेन फेस लेकर के हम उस स्विच में ज्वाइन करा देंगे। अब ये वाला पॉइंट हम इस स्विच में लगा देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, ये फैन रेगुलेटर के दो वायर निकले होते हैं, और जैसे कि हमारा फैन है इसके भी दो वायर निकले होंगे। तो ये वाला हमारा जो फैन का प्लस पॉइंट है, जो कि हमें फेस बोलेंगे, इसको हम फैन रेगुलेटर के किसी भी एक पॉइंट में ज्वाइन कर देंगे। मैं ये इस वाले पॉइंट में ज्वाइन कर रहा हूँ, जो हमारा फैन रेगुलेटर से वायर निकला होता है। अब फ्रेंड्स, ये वाला दूसरा वाला फैन रेगुलेटर का पॉइंट मैं ये इस स्विच में ज्वाइन कर दूंगा, जिसमें मैंने ये मेन फेस का ज्वाइन किया है, इसके नीचे वाले पॉइंट में स्विच के, जैसे जिससे हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा फैन रेगुलेटर ऑन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से। तो अब ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर बचा है, वो हमें इन सभी सॉकेट के में जो न्यूट्रल पॉइंट है उसमें किसी में भी एक ज्वाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। मैं ये बचे हुए वायर को थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ, ये वाला पॉइंट। अब फ्रेंड्स, हमारा ये कनेक्शन अब कंप्लीट है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा मेन फेस का वायर है, जो कि इस स्विच में भी ज्वाइन हुआ है, और यहाँ पर ये हमारा फैन रेगुलेटर के ये इस ऊपर वाले स्विच है, जो पॉइंट है उसमें भी ज्वाइन हुआ है। और यहाँ से जो हम स्विच ऑन करेंगे तो इन सभी सॉकेट में डायरेक्ट फेस चला जाएगा, और न्यूट्रल मैंने यहाँ पर इन सॉकेट में पहले से ही ज्वाइन कर रखा है, तो ये सॉकेट हमारा अब चालू हो जाएगा। और जैसे कि ये वाला फेस यहाँ पर आया है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला फेस यहाँ पर आया है, और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ये वाला पॉइंट जो हमारा फैन रेगुलेटर का एक पॉइंट मैंने ज्वाइन कर रखा है, ये फैन रेगुलेटर हमारा ऑन हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि हमारा ये फैन है, मैंने इसका एक फेस का वायर फैन रेगुलेटर में ज्वाइन करूंगा, और न्यूट्रल में सीधा डायरेक्ट न्यूट्रल में ज्वाइन कर दूंगा, तो ये हमारा बल्ब जो है, फैन जो है, वो ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सॉकेट ऑन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये सॉकेट टेस्ट करवा देता हूँ आपको 0 वाट के बल्ब से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सॉकेट हमारा ऑन है, और ये वाला सॉकेट भी हमारा ऑन है। अब जैसे कि मैं ये फैन रेगुलेटर ऑन कर रखा है, और ये 0 पे है, जैसे मैं रेगुलेटर घुमाऊँगा तो उस हिसाब से ये इसकी वोल्टेज कम हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक करिएगा।